सो दोस्तों शाओमी ने रिसेंटली रिवील कर दिया है अपना ब्रांड न्यू बैंड जो कि है एमआई बैंड 4। सो इसकी सेल 16 जुलाई से चाइना में स्टार्ट हो जाएगी और शायद से जल्द ही ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। सो आज ये वीडियो आप देखते रहिए और हम लोग बात करेंगे इसी की फुल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फुल डिटेल रिव्यू। अगर इसकी प्राइस की बात कर ले तो कुछ 1700 से इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। तो चलिए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 0.95 इंच का एमोलेड कलर टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगा। इसकी बेसिक फंक्शंस की बात करें तो इसमें सभी बेसिक फंक्शंस जो कि आपको एमआई बैंड 3 में मिलते थे वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे, जैसे कि टाइम, स्टेप्स, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, एक्टिविटीज, वेदर, टेम्परेचर, नोटिफिकेशंस, आपके फोन की नोटिफिकेशंस, कॉल्स और भी सारे बेसिक फंक्शंस जो कि आपको पिछले एमआई बैंड 3 में मिलते थे वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। बात करते हैं कि इसके कुछ एडवांस फीचर्स की, इसके कुछ नए फीचर्स की। तो इसमें फिटनेस मॉनिटरिंग मिल जाएगा, स्लीप ट्रैकिंग, सिडेंट्री रिमाइंडर है और कुछ एडवांस फीचर्स जैसे कि इसमें आपको ट्राई एक्सिस एक्सेलेरोमीटर मिल जाएगा, ट्राई एक्सिस जायरो। और इसका जो एक मेन फीचर है जो कि इसको सभी बैंड से अलग बनाता है वो ये है कि इसमें आपको माइक्रोफोन भी मिलेगा वॉइस असिस्टेंस के लिए, जैसे कि आप गूगल असिस्टेंस या सिरी, एलेक्सा, इन सबको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी इसमें कैपेसिटिव वियर मॉनिटरिंग सेंसर भी आपको मिल जाएगा। अदर डिटेल्स, इसकी कुछ अदर डिटेल्स की बात करें तो अगर वेट लेते हैं तो इसका 22.2 ग्राम का इसका वेट है और वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें 50 मीटर तक की वाटर रेजिस्टेंस दी गई है जो कि आपको पिछले एमआई बैंड 3 में भी मिल जाता था। ब्लूटूथ वर्जन, इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, इसका मतलब है कि आप बहुत ही ज्यादा बेटर कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। और बैटरी की बात करें तो इसमें वैसे नॉर्मल एडिशन जो है उसका, उसमें आपको 135 mAh की बैटरी मिल जाएगी, लेकिन जो इसका NFC एडिशन है उसमें जो बैटरी है वो है 125 mAh की, जो कि काफी अच्छी ही है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। कलर्स की बात करें तो ये अभी 5 कलर्स में आ रहा है जो कि है ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ऑरेंज और पिंक। काफी अट्रैक्टिव कलर्स में शाओमी ने इसको लॉन्च किया है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें इसका जो नॉर्मल एडिशन है उसका प्राइस होगा करीब 1695 के अप्रॉक्स और जो इसका NFC एडिशन है उसका प्राइस होगा 2300 के अप्रॉक्स और जो इसका लास्ट है एवेंजर्स लिमिटेड एडिशन जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में उसका प्राइस है 3500 के अप्रॉक्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इस नए शाओमी बैंड के बारे में पूरी डिटेल्स मिल गई होंगी। अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।